ये काम तो खत्म हुआ। वाह, तुम तो खुद ही यहाँ आ गए। परिवार का प्यार खींच लाया या मोहना का डर? मैं किसी से नहीं डरता, ना मोहना से ना मौत से। ये क्या कर रहे हो अंगद? इसे क्यों परेशान कर रहे हो? इसे मार के तुमको चैन नहीं मिला? जो मरने के बाद भी इसे तुम चैन से रहने नहीं दे रहे हो? आपको अंगद चाहिए ना? हम बस पहुंच ही गए। हाँ पहुंच गए, यहाँ पे आप बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। त्रिवार, पंचना का बाण, आप हमें मारने वाले हैं क्या? इतने दिनों से कहा थी तुम घूम रहे थे अपने पतिदेव जी के साथ। पतिदेव जी हम घूम रहे थे ना। झूठ मत बोलो। पहले नमन गायब हुआ, फिर तुम गायब हुए, उसके बाद वो त्रिकोण धातु गायब हुई। हो ना हो, तुम्हें उसे चुराया। हमने कोई त्रिकोण धातु वातु नहीं चुराया। डैडी ऐसे सच नहीं बोलने वाली, इसे तो मैं। अरे नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, हम ही ने वो त्रिकोण धातु चुराई है। लेकिन क्यों? क्योंकि मोहना ने कहा था। मोहना ने हमारे पतिदेव जी को कैद करके रखा था और उसने कहा अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे वो हमारे पतिदेव जी को मार डालेगी। ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? तुम दोनों को जो भी पता है प्लीज मुझे बता दो। मुझे पता है तुम दोनों अपने पापा के साथ मिले हुए थे। तुम्हारे पापा बुरे नहीं है, बुरा बनने का नाटक कर रहे थे। वो जो भी तुम्हें हर्ट करने की कोशिश कर रहे थे वो सब एक नाटक था जो तुम लोगों की हेल्प के बिना पॉसिबल नहीं था। प्लीज बेटा, प्लीज मुझे बता दो आपके पापा कहाँ गए, ये आपको जरूर पता होगा। जाने से पहले मैं सबके लिए चीजें आसान करके जाना चाहता हूँ। तुम दोनों मेरी हेल्प करोगे ना? हाँ, और हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। प्रॉमिस। प्रॉमिस। सॉरी मामा, हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि हमने पापा से प्रॉमिस किया है और हम पापा को दिया हुआ प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते। बेटा, आपके पापा बहुत बड़े खतरे में हैं। अगर हमें नहीं पता होगा कि वो कहाँ है तो हम उन्हें उस खतरे से बाहर कैसे निकालेंगे? प्लीज बेटा, मम्मा की हेल्प करो। प्लीज मुझे बता दो। बस थोड़ी देर और, मुझे इन्हें पाताल झील तक लेके जाना है। परी, मुझे लग रहा है कि हमें मम्मा को सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं आदि, पापा ने कहा था ना कि मम्मा को नहीं बताना। एक मिनट, पापा ने तो मम्मा को बताने से मना किया था, लेकिन मैं तुम्हें तो बता सकती हूँ, तुम थोड़ी ना मेरी मम्मा। और तुम मेरी कही हुई बात मम्मा को बता सकते हो? हाँ, बताओ क्या बोलना है। पापा पाताल झील के पास गए। मम्मा, पापा पाताल झील के पास गए। पाताल झील? पहुंच गए।
मुझे अंगद वापस चाहिए अंश। ये अंगद नहीं है, ये तो आपको यहां लाने का बहाना था। तो तुम धोखे से मुझे यहाँ पाताल झील पे लेके आए हो। हाँ, क्योंकि आप यहाँ से वापस नहीं जा सकती। और तुम्हें क्या लगता है, तुम यहाँ से उड़के वापस जा सकते हो? मत भूलो, तुम्हारे पास अब तुम्हारे पंख नहीं है। अंगद को मारने के लिए तुमने अपने पंख उखाड़ दिए थे। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं मोहना। अगर मुझे अपनी जान की परवाह होती ना, तो ना मैं आपके पास आता और ना ही आपको यहां लेकर आता। मैं जानता हूं कि यहां से कोई वापस नहीं जा सकता, ना आप ना मैं। तुम्हें पता है ये तुम्हारी स्टूपिडिटी हमें कितनी महंगी पड़ सकती है? नहीं, अब मोहना उस त्रिकोण धातु से क्या करने वाली है? ऊपर से अंश खुद ही मोहना के पास चला गया। गिल्टी फील कर रहा है कि उसने बेकसूर अंगद की जान ले ली। अरे सर जी, हम इतने देर से यही कहना चाह रहे हैं कि हमारी बात सुन लो एक बार। हाँ सुनाओ, बताओ क्या कहना चाह रहे। अरे देखिए, ऐसा है कि अंश ने किसी बेकसूर की जान नहीं ली है, और जो अंगद है ना, वो भी बेकसूर नहीं है भाई। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे यार, हम नहीं गए थे अंश की मदद करने, जब वो मेष पूर्णिमा की चांद के पीछे पृथ्वी के दूसरी तरफ गया था। अरे बाप रे बाप, कहाँ टकरा गए थे हम? बाप रे बाप। अबे यार, वो जोर से लगा है, लेकिन हम आ कहाँ गए? ये काली शक्तियों का अजैब घर है। काली शक्तियों का अजाब घर भी होता है का? हाँ। ओह, मतलब तुम लोग भी टूरिज्म को बढ़ावा देते हो, है ना? नहीं, ये सिर्फ हम काली शक्तियों के लिए है। इस अजाब घर में काली शक्तियों के बारे में सारी जानकारी अंकित है। अंकित? अंकित यहाँ भी आ गया है? कहाँ है? ए अंकित, अरे वो तो हमारी बुआ का लौंडा है, हमको अच्छे से जानता है, हम भी उसको जानते हैं। अरे अंकित, वाह, क्या मतलब लिखा हुआ है? अच्छा अंकित, अरे अरे यार, अब हम समझ गए। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे जो अबे ये तो वो है ना, वो सर्वशक्तिशाली डायन जो थी, वो प्रथमायन। अरे ये तो अंका, वो अंगत है। वाह वाह, ये क्या लिखा है भाई? उम्र 500 साल। अरे ये कहाँ 500 साल का है यार, ये तो मात्र 30 साल का लौंडा है, और ये काली शक्ति भी नहीं है। पिछले 500 सालों से ये एक आयन को ढूंढ रहा था, ताकि उसे मार के हमेशा के लिए सिंघा बन सके। बात कर रहे हो बे? इसका मतलब है कि अंगद हमेशा से ही मोहना को मारना चाहता था। मतलब उसने मोहना से प्यार नहीं किया, सिर्फ प्यार का नाटक किया था, ताकि वो उससे शादी कर ले और फिर उसे मारकर हमेशा के लिए सिंघा बन जाए। और अंश को लग रहा है कि उसने एक बेगुनाह की जान ले ली, और उसी गिल्ट के चलते अंश जी जो खुद मोहना के पास चले गए। ओह माय गॉड, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी अंश, पर तुम तो अपनी ही जान के दुश्मन बन बैठे। मुझसे लड़ने के लिए तुमने पाताल झील को चुना, ये जानते हुए भी कि यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं लौट सकता। मैं आपसे लड़ने नहीं आया हूं। फिर किस लिए आया? पाप, मेरे हाथों पाप हुआ है, उसकी सजा भुगतने आया। तुम्हें सजा मिलेगी अंश, और ऐसी सजा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। मौत से बड़ी कौन सी सजा हो सकती है? मैं
मैं मौत के लिए तैयार हूं। सही कहा था आपने, मैंने एक बेकसूर की जान ली है। भले ही मैंने ये किया और आपको बचाने के लिए किया हो, लेकिन अंगद की मौत का जिम्मेदार मैं ही हूं और कोई नहीं। मुझको और पिया को बचाने की बात तो एक बहाना है, सच तो ये है तुम अंगद को कभी पसंद ही नहीं करते थे, इसलिए जैसे ही तुम्हें उसे मारने का बहाना मिला तुमने उसे मार दिया। मानता हूं मैंने गलती की है, लेकिन वो मेरी मजबूरी थी और मैं ये भी जानता हूं कि जब तक आप अंगद की मौत का बदला मुझसे नहीं लेंगे तब तक आप चुप नहीं बैठेंगे। मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपको मुझे जो सजा देनी है आप दे सकती है। वाह, आज वाकई में लग रहा है तुम्हारी रगों में मेरा ही खून है। क्या चाल चली है अंश? मुझे यहां ले आए ताकि जान देकर अपना पाप धो सको और मैं तुम्हारे परिवार को सजा देने के लिए यहां से वापस भी ना जा सकूं। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके बदले की आग सिर्फ मेरी मौत से ठंडी नहीं होगी, आप उन्हें भी सजा देने की कोशिश करेंगी जिनका अंगद की मौत से कोई लेना देना ही नहीं है। अंश, तुमने बचपन में हिरन और शेर की कहानी तो सुनी ही होगी। एक बार एक हिरन शेर को देख के पेड़ के पीछे छुप गया। थोड़ी देर बाद जब उसने बाहर निकल के देखा तो शेर वही था। हिरन ने सोचा जब तक शेर चला नहीं जाता तब तक पेड़ के पीछे छुपे रहने में ही समझदारी है। लेकिन ऐसे कई साल बीत गए। आखिर तंग आके हिरन ने सोचा, ऐसे डर डर के जिंदगी काटने से अच्छा है मैं शेर का सामना करूं। हिरन शेर के सामने गया और उसने कहा, इस लुका छुपी की जिंदगी से मैं परेशान हो चुका हूं, तुम्हें अगर मुझे खाना है तो खा लो। और वो शेर उसकी तरफ देख के बोला, कौन हो तुम?